अरे तो राहुल, पहले तुम बताओगे कि ये हो क्या रहा है। तुमने दुकान का हिसाब सही से नहीं बताया मेरे को। मैं सब लिख रहा था, मैंने सब के लिखे हैं। अब दुकान का हिसाब किताब बताने का समय हो चुका है। एक महीना पूरा हो चुका है, तो आज डंडे डंडे से मारूंगा जिसने भी गलत हिसाब किताब बताया। बेटी में पैसे खाने की कोशिश की तो समझे ना तुम। राहुल बोलो। अरे मोदी जी, राहुल की क्या बात करते हो, पहले मेरे से लो हिसाब। मैंने बहुत अच्छा हिसाब किताब बनाया है आपकी दुकान का। अरे मैंने वहाँ पर जो आपके तंदूरी में दुकान थी ना, तंदूरी वाली दुकान का मक्खन की तरह हिसाब बनाया है। जैसे मक्खन को खाते हैं उसी प्रकार से आप आपके हिसाब किताब को खाने लगोगे। थोड़ा थोड़ा हमको भी बांट दोगे तुम। इतना अच्छा मक्खन की तरह मैंने हिसाब किताब बनाया है। ये क्या बोल रहे हो तुम अखिलेश जी, मक्खन की तरह भी कोई हिसाब किताब बनाता है क्या? अरे मेरे को बनाने दो हिसाब किताब, मैं दिखाता हूँ मोदी जी। मैंने आपकी जो है अमेठी वाली दुकान का जो है हिसाब किताब लिख कर रखा है। मैंने 500 रुपये के जो है बादाम लाए, 500 रुपये के नारियल, 500 रुपये का नारियल का तेल, 500 रुपये का पीपा और बहुत सारे सिस्टम लेकर लाया हूँ। लेकिन बचत कितनी हुई मोदी जी, अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ज़मीन मैंने बहुत अच्छी बचत की है।